तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। आप लोग भी चौंक गए होंगे कि आखिरकार कैसे जीत लिया, वो बिल्कुल मैं आपको लाइव हाईलाइट दिखाने वाला हूं। सरफराज खान की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी, रविंद्र जडेजा की चट्टान भरी बल्लेबाजी और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और तीसरा टेस्ट मुकाबला पहले ही दिन जीत लिया, वो भी 208 रनों से। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाने वाले हैं, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब तीसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का न्योता इंग्लैंड की टीम को दिया। बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर यशस्वी जायसवाल के लिए उतरे। हालांकि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी तो चुन ली लेकिन शुरुआत में उनके लिए काफी ज्यादा गलत साबित हुआ, इसलिए क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा और जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो सिर्फ 4 रन बनाकर के यशस्वी जायसवाल पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सुमन गिल आए जिन पर काफी ज्यादा लोग भरोसा कर रहे थे, सुमन गिल 0 पर आउट हो गए। उसके बाद रजत पाटीदार आए, वो भी 7 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए, यानी कि 3 खुखार बल्लेबाज 17 रन के भीतर ही आउट हो गए। अब भारतीय टीम की दशा क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे ही रोहित शर्मा का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आया, उसने तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर तबाही बनानी शुरू कर दी। आप सभी को बताया था कि रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर बल्लेबाज है और गेंदबाज है। रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहां पर अर्धशतक नहीं बल्कि शतकीय पारी खेल डाली। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने छक्के चौके से बरसात की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। रोहित शर्मा ने 14वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 3 छक्के 2 चौके जड़ दिए, जहां पर रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेल डाली और 35वें ओवर की 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी का भी माथा चकरा गया। लेकिन आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने 131 रन ठोके, जहां पर रोहित शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए जो घातक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने टीम इंडिया में अभी डेब्यू किया, जिसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, उसने यानी कि हमारी सबकी सोच से ज्यादा घातक बल्लेबाजी कर दी। आप सभी को बता दें कि जितना हम सोच रहे थे कि सरफराज खान चलेगा या नहीं चलेगा, पहला टेस्ट करियर का मुकाबला है, तो सरफराज खान ने सोच से भी बेहतर बल्लेबाजी की और 62 रन ठोक दिए। सरफराज खान और रविंद्र जडेजा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाते रही। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोते रहे। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की नाक में दम कर दी तो वहीं सरफराज खान ने मैदान पर आते ही तूफानी भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के लिए कोच राहुल द्रविड़ को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये सरफराज खान है या महेंद्र सिंह धोनी। सरफराज खान ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। सरफराज खान के पिता भी इस मुकाबले को देख रहे थे, वो भी काफी ज्यादा खुश थे और खुशी के मारे उनके आंख से आंसू छलक रहे थे। सरफराज खान, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के हक में गया, जहां पर भारतीय टीम की जीत 100% निश्चित है। फिलहाल आपकी क्या राय, कौन सा टीम जीतेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी